जय जाट। सभी जाट भाइयों को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हम सभी जाट भाइयों पर वीडियो बना रहे हैं। हर एक एक जाट भाई, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे आईएएस है, आईपीएस है, एमएलए हैं, एमपी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में तरक्की करी है, तो उनके लिए अब हमारे वीडियोस बनने शुरू करे। जो भाई अपना वीडियो बनवाना चाहे, कृपया हमें लिख के वगैरह भेजिए। आज हम इस वीडियो को दो भाग में लेंगे। हमने कुछ आरटीआई लगाई थी जिनसे कुछ पता लगा था जाट भाइयों का, जनगणना का, और फिर चलेंगे गोत्र की हिस्ट्री पे। जो आरटीआई हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगाई थी, वो उसकी जो जनसंख्या है जाटों की, वो इस प्रकार निकल के आई है कि भारत में लगभग 8.25 करोड़ आबादी जाटों की है, और इसमें मुख्यतः जो है हमारे पंजाब में 35% जाट है, जो सिख जाट है, और 3% हिंदू जाट है, अर्थात ये हुए 38% जाट। हरियाणा में 31% हिंदू जाट है और 5% सिख जाट है, 1% बिश्नोई जाट है, और 3% है मुस्लिम जाट, यानी कि मूली जाट, जो कि हो गए हमारे 37% जाट भाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% हिंदू जाट है, 2% सिख जाट है, और 2% मुसलमान जाट है, जो कि बैठ गए 21% हमारे जाट भाई हैं। राजस्थान में 20% हिंदू हैं, 2% बिश्नोई हैं, और 2% सिख हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज और देखिए, 1% हमारे अंजना जाट भी हैं, अर्थात ये सब मिला के हमारे हो गए 25% जाट। दिल्ली में 10-12% जाट है, मध्य प्रदेश में 4-5% जाट है, गुजरात में जो हिंदू जाट 2%, अंजना जाट 2%, 3%, और मुस्लिम जाट जो हों 3%। अच्छा, आज हमें एक बात और पता लगी है, ये फकराइन जाट का भी पता लगा है। फकराइन जाट है हमारे भाई जो 1-2% है, ये पर सिर्फ गुजरात में है। जम्मू कश्मीर में लगभग 7-8% जाट हैं, जो कि तीनों धर्म के हैं, सिख भी, मुस्लिम भी, हिंदू भी। उत्तराखंड में जो है 4-5% जाट है, जो हिंदू और सिख जाट हैं। इसके साथ हमें पता लगा महाराष्ट्र में 90 लगभग जो गांव हैं वो जाट हैं, आंध्र प्रदेश में 42 गांव हैं वो जाट हैं, और मुख्य तो ये पता लगा हमें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जाट भाइयों की आबादी है 1,55,00,000, लेकिन प्रतिशत में सबसे ज्यादा हमारे पंजाब में है जाट भाई 38-40%। तो ये हमारी जाट भाइयों का आबादी का विवरण है। अब हम अगला चलते हैं, नौवार जाट गोत्र की हिस्ट्री लेके आज हम आए हैं आपके सामने। नौवार जाट जो है ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ये लोग हरवाणी, हरियाणवी, राजस्थानी और गुजराती भाषा बोलते हैं। अपनी बातों को कहने के लिए अलग अलग स्थानों के अलग अलग नामों से भी जाने जा सकते हैं, जैसे हमारी आप जानते हैं भाषा अलग है। कहीं इनको नौवार कहते हैं, कहीं नौवार, कहीं नववीर, कहीं नवा, कहीं नव, कभी नौवर, कभी नौछावर, न्यूवर भी कहीं बोला जाता है। जानकारी को नजर लोग सबसे पहले नौ के नाम से इनका एक राज्य हुआ था, उसी राज्य के नाम पे इन्होंने जो है ये नौवार इनका गोत्र पड़ा है भाइयों। अगर हम इनके इतिहास पर नजर डालें तो ये चंद्रवंशी सम्राट यताति के पुत्र के अनु से नौवीं पीढ़ी के जो महाराज हुए थे वो उसी नर हुए, और उसी नर के उनके जो पुत्र नव हुए, नव ने नवराष्ट्र के नाम से एक राज्य बसाया। महाराजा नव की प्रसिद्धि के कारण उनके नाम पे ही नव नव या नहवार गोत्र की प्रारंभ हुआ। पंजाब में कुछ सिख नरवाल जाटों के गांव भी हैं। इन नौवार जाटों के 11वीं सदी में झालावाड़ तत्कालीन ब्रिजनगर पर शासन ये करते थे। इनके समय में झालावाड़ को ब्रिज नगर के नाम से जाना जाता था। ब्रिजनगर में उल्तकुंड का निर्माण नौवार जाटों ने कराया था।
बारहवीं सदी के अंत में यह लोग खंडार करौली में होते हुए मूल क्षेत्र जहाँ लौट आए, नोह झील जो कि आजकल राज्य में इनकी है, नव से नेहवार के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये जो चौहान जाटों के साथ इनका युद्ध हुआ, उसके बाद ये कहीं कहीं नेहवार बिछर गए, अलग अलग प्रांतों में चले गए, पर मुख्यतः नव गोत्रिया इनका भी ये मूल यहीं से है। 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने अपने वफादार झाला राजपूत को इस क्षेत्र का इनाम प्रदान दिया था, तो इनके जो गांव थे वो झालावार रियासत की स्थापना को दे दिए गए, ताकि इनका कौन जो रेवेन्यू था वो यहाँ के जो झालावार रियासत के राजा ले सकें। राजपूत जो नोहवार जाटों में नरहरि नाम का एक वीर योद्धा हुआ, जिनके वंशज इनके नाम पर नरवाल कहलाते हैं, जो कि नोहवार जाट गोत्र की शाखा है। मतलब नव के भी आगे नोहवार और इस प्रकार हुए। वीर नरहरि नोहवार ने हसन खान इलबरी को मार के हसनपुर पर कब्जा किया और उनके वंशज हसनपुर में बस गए। यह नरवार का सबसे बड़ा गांव है। यहीं से नरवार हरियाणा उत्तर प्रदेश में आजाद हुए। नरवोवरी भी सबसे इनका गांव जो है झील के किनारे बना हुआ है। शैल्या इनका पैतृक पुराने गांव में माना जाता है। पारसोली इनका बड़ा गांव माना जाता है। मथुरा जिले में माठ क्षेत्र में नहवारी बोला जाता है और यहाँ इनके 128 से ज़्यादा गांव हैं। तो मथुरा के लोगों से निवेदन, कृपया इन सभी गाँव के नाम बताएं। जो हरियाणा में इनका है वो है नुवार, ये पाली में है, जटोली, मुनलई, औरंगाबाद और चिज्जानगर। उत्तर प्रदेश में जो नुवार खाप है इसके 124 गांव मथुरा में, जैसे बताए धनार, शेरपुर, बाकी ज़्यादा भाई साहब गाँव के हमें पता के पर लिख के भेजेंगे तो पता लगेगा। मोरगांव है, नोहझील, बजाणा, इकदलगढ़ी, कटेला, कटियाला, भट्टा भांसल, जो कि इनकी खाप भी है यहाँ, या मूड़ी जाट में और कुछ राजपूत भी इनमें। अत्री और नोहवार गोत्र जो है ये ब्रदरली आपस में इनका भाईचारा है, शादी नहीं होती। ये अलीगढ़ के आसपास, वहीं मैंने जैसे कि बताया मथुरा के आसपास है। फिरोजपुर में इनका चिचामाई, नागारी, कोटली, आगरा में इनका है नंगड़ा आम, नंगड़ा बसुआ, पनवारी, सिसोली, सुनारिया, बामरोली, अहीर, जुटवाणा और अधुलगढ़ी, बजनी मठ, दौलतपुर, बांगड़, लालपुर, कटोलिया, मोहद्दीन नगर, मोहद्दीनपुर, मुझरील, बांगूर, नया बांस मथुरा, नीमगांव, सिद्दीकपुर, विजयगढ़ी। हाथरस में बकरोई, अलीगढ़ में उठारा, बुलंदशहर में पपारी और राजस्थान में इनका जयपुर के पास है बरकतार नगर, अलवर में है रेटा कथुरा कथुअर मार्ग, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास इनके जो गांव बदल नोवार, खरगांव, गुणा, धनेली, बिरलानागढ़ ग्वालियर में है। गुजरात में कुछ गांव के नाम मिल रहे हैं भाई साहब, बट हम श्योर नहीं है भाइयों। अब हम चलते हैं जो प्रसिद्ध लोग थे हमारे इस भाई गोत्र के, छेत्रीलाल वर्मा, फेमस इंडस्ट्रीज, एमपी सिंह, यू एस डी ओ पी डब्ल्यू डी कोंगराता, नरेंद्र कुमार आईपीएस, एयर मार्शल जो कि रिटायर हो चुके हैं हमारे, के नोहवार, धारा सिंह चौधरी, महाराज सिंह जो थे ये एडिशनल कमिश्नर जो हैं ये हाथरस के रहे हैं, बाबूलाल एमपी 2004 में फतेहपुर से रहिए,
मान सिंह लेखक हैं ये, इन्होंने किताब जो लिखी है ये महाराजा सूर्यमल भी किताब लिखी। तो भाइयों ये जो गोत्र था नोहवार, इसके ये हिस्ट्री थी। कोई गलती होगी तो कृपया क्षमा करें, हमारा ज्ञान अधूरा है, आपके बगैर पूरा नहीं है, कृपया हमें कमेंट करके उस पर पूरा करें। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।